हाय स्मिता, कैसे हो? मैं ठीक हूँ मैम, आप कैसे हो? अरे बहुत ठीक हूँ। तुम बीमार बीमार क्यों लग रही हो? बहुत मेहनत कर रही हो लगता है। मैम, ऐसे समर है ना, इधर बहुत थकान हो जाती है। हाय आई एम वेरी हैप्पी अबाउट योर वर्क। और तुमने पीपीटी बहुत अच्छा बनाया है। एक काम करना, आप ना उसको मुझे पर्सनल ईमेल आईडी पे भेजना। ओके मैम, और रियली आई एम वेरी इम्प्रेस। और इसी तरह मेहनत करो स्मिता, ठीक है? यस मैम। एंड डिजाइन रेडी रखो, कभी भी डेट आ जाएगा 1 मंथ 2 मंथ्स के बीच में, तो आपके डिजाइन रेडी होके प्रेस होके सारा रेडी होना है कि बस डेट आया और निकले, ठीक है? ये नहीं सोचना कि आजकल कभी भी नॉर्मल हो जाता है चीजें, तो हम अपने से पहले से प्रिपेयर रहेंगे तो चीजें इजी होंगी। एंड इवन तुम्हारे थीम से मिलता जुलता तुम्हारा आउटफिट भी होना चाहिए, क्योंकि 1 2 3 मंथ्स में सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। फिर ये मत होना सारा, मैम आपने मुझे याद नहीं दिलाया, मुझे इंडिकेशन नहीं दिया, ये वो। ठीक है, नहीं मैम, नहीं मैम, आपका ईमेल आईडी। मैं भिजवा दूंगी, ये रिकॉर्डेड होगा ना, अपलोड होगा तो मैं भिजवा दूंगी। तो सारे बच्चे आ गए? तुम तो कहाँ गए थे पिछले सैटरडे? सैटरडे में क्लास लेने वाली थी। कितने कितने लोग जुड़े? कहाँ गए सब? छुट्टी मना रहे? अच्छा, ऐसी बात में स्मिता को ही पढ़ाऊंगी। चलो शुरू कर। आ रहे आ रहे आ रहे, मैंने एडमिट नहीं लिया, जुड़ने दो। चलो, तुम्हारे कुछ डाउट हो तो क्लियर कर लो, तब तक ये लोग जुड़ रहे हैं। मैम वो अकाउंट का लास्ट वीक का असाइनमेंट ठीक परफेक्ट था ना? परफेक्ट। एंड तुम्हारा वो दिखाओ, मैनीक्योर इन स्मॉल वन, यस मैम, करिए मैम। इतना क्यूट है, तुमने कहाँ से मंगवाया? यहाँ एक शॉप है, वहां सब मिलता है, सारे मटेरियल सब कुछ। स्टिच किया था? स्टिच हो गया? स्टिच हो गया? दिखाओ हाँ यस मैम, स्विच हो गया। बैक, बैक दिखाओ, बैक दिखाओ, बैक दिखाओ, बैक बैक बैक। हाँ वेरी गुड, हाँ ठीक है ठीक है, वेरी गुड। तो तुम अपने लिए कब बना रही हो? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम बनाऊंगी मैम, सलाम। वो खानसा, मटेरियल। तुम्हारा स्टिच हो गया काउल नेक? दिखाओ तुम्हारा भी, तुम भी सामने रखो स्मिता, तुम्हारा भी यस दिखाओ। मैम, क्यों खानसा? स्मिता बैक करना, तुम्हारा मैनिक्विन को बैक करना, मैनिक्विन को बैक बैक बैक। परवीन बैक खानसा, है। परवीन बैक में नॉर्मल होना चाहिए, नॉर्मल 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 बेसिक बॉडी जो मैंने सिखाया ना, अभी कल भी सिखाया है स्टिचिंग में, बेसिक बॉडी नॉर्मल होनी चाहिए, वो अटैच होगी, ठीक है? ठीक चलो, इतने लेट क्यों आते हैं यार, जबकि जल्दी मैंने भेजा है। लास्ट तुम्हारा क्लास क्या था? बेसिक स्टिचिंग ना? यस मैम, ये काउल ने कई क्लास था। अच्छा, काउल नेक का मेजरमेंट तुम लोग को लिखाती है एक मिनट, आज थोड़ा सा काउल नेक के बारे में डिस्क्राइब कराती हूँ। काउल नेक की थ्योरी लिखवा दिए हैं? Learning 367।
मेजर एंड कर्व परफेक्ट। चलो काउल नेक का ड्राइंग भी बनाना है। सारे बच्चे वीडियो ऑन तो करो यार अपना, विंडो ऑन करो, सारे लोग विंडो ऑन करो। काउल नेक का आप लोगों को ड्राइंग बनाना है ऑन द शीट, ठीक है। व्हाट इज द फर्स्ट मेथड? द फर्स्ट मेथड इज टेक द फैब्रिक एंड देन कट साइज इज, पहले में स्टेप में है 34 इंच बाय 34 इंच, ऑलमोस्ट तुम्हारा हो जाएगा। लास्ट टाइम 20 इंच लिया था ना हमने, 20 इंच बाय 20 इंच लिया था ना। तुम्हारा फैब्रिक का साइज क्या था, क्या है स्मिता? मैम ये 28 इंच है, सर ने मैसेज में 28 into 28 इंच लेना है, ये 28 इंच का बना है। और तुम्हारे लिए? हाँ। तुम्हारे लिए थोड़ा बड़ा लेना पड़ेगा। हाँ। तो प्रैक्टिकल के, अच्छा जो तुमको जो ड्राइंग में यहाँ पे लिखा है वो मैं एग्जैक्टली बता रही हूँ, ठीक है। मेजर एंड कट परफेक्ट स्क्वायर ऑफ सॉफ्ट फैब्रिक, ठीक है। मेजर एंड कट, ये फोटो मिल जाएगा पहले समझ लो, ये फोटोज मिल जाएगा, लिखना आसान हो जाएगा पहले समझ लो। ऑलवेज टेक द बायस सिमिलर, जितनी लंबाई होगी उतनी चौड़ाई होगी। सारे लोग अपना विंडो ओपन करो नहीं तो आउट हो जाओ क्लास से। सारे लोग विंडो ऑन करो नहीं तो भागो यहाँ से, एकदम नहीं पढ़ाऊंगी मैं। ठीक है, एंड देन क्या करना है अपन को, टेक द सॉफ्ट फैब्रिक एंटायर बैक बॉडीज अप्रोक्स 34 इंचेस स्क्वायर, ठीक है। अब 34 इंचेस लिया हुआ है इन्होंने, तो एक बार प्रैक्टिकल देखना 34 इंचेस कितना होता है। स्मिता इंच टेप निकालो, सारे लोग इंच टेप निकालो। yes. 34 का बायस देखो कितना हो रहा है, 34 इंच, सेंटीमीटर है, इंच इंच, 34 इंच बाय 34 इंच कितना हो रहा है। दिख रहा है 34 लिखा है? Yes, ma'am. फोटो मिल जाएगा, ऐसी करना है। अब उसको क्या करना है, इक्वल बायस करना है, ठीक है। शोल्डर पिन कैसे लगानी है, ये दोनों होगा आपका शोल्डर पिन, ठीक है। जिनका काउल नेक नहीं बना है वो ध्यान दो, और बायस का जो फोल्डिंग होगा ये होगा, ये इनर साइड आएगा, ठीक है। किस साइड आएगा? इनर साइड आएगा, और ये शोल्डर में हैंग होगा, ठीक है, क्लियर है। ये पिक्चर्स आ जाएगी, तुम लोग को शीट में पूरा एटिटिस बना के भेजना है। नाउ हाउ टू टेक द, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दो। काउल नेक बनाते समय हमें ध्यान रखना सेंटर लाइन, ठीक है, ध्यान रखना प्रिंसेस लाइन, क्लियर है। फारूकी लेट क्यों ज्वाइन किए बेटा, ध्यान दे रहे हो क्या? काउल नेक के लिए क्या क्या जरूरी है, एक तो फैब्रिक आपका होना चाहिए 34 इंच बाय 34, ठीक है। वो डिटेल फारूकी आ जाएगा तो तुम डिटेल देख लेना, अभी समझ लो, क्लास समझ लो। काउल नेक बनाते समय हमेशा ध्यान रखना है कि जो आपकी मैनीक्वीन है, मैनीक्वीन में सेंटर लाइन प्रिंसेस लाइन, ठीक है। जो ये दोनों फोल्ड है जो हमने बायस लिया था, उसकी आपको पिनअप किसके ऊपर करना है, प्रिंसेस लाइन के ऊपर, ठीक है। किसके ऊपर पिनअप करना है, प्रिंसेस लाइन। अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, टेक द स्ट्रिप लाइक दिस स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। और इसका जो डिटेलिंग है यहाँ पे आएगा, बहुत ज्यादा लूज नहीं करना, मीडियम रखना, 6 इंच इज इनफ, कितना इनफ, 6 to 7 इंच इनफ, कम से कम नेक दिखना चाहिए, अगर नेक नहीं दिखेगा तो बहुत ऑड लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से कुछ हैंग होने के बाद आपका फैब्रिक और मैनीक्वीन नजर आएगा आफ्टर पिनअप, तो
आपको क्या करना, पिन यहाँ पे लगा दिए स्ट्रिप कर करके, और सेम जैसे दुपट्टा ओढ़ते हैं ना, दुपट्टा पिन लगाते हैं ना दुपट्टा में, सेम टू सेम, ठीक है। अब क्या करना है, आपको यहाँ पे पिन करना है और 2 इंच छोड़ के आपको यहाँ पे कटिंग लगा देनी है ड्रैप की, ताकि वो फोल्ड हो जाए, ठीक है, क्लियर है? Yes, ma'am. क्या होगा, कुछ इस तरह से नजर आएगा पिन होने के बाद, ठीक है। अब वेरी इंपॉर्टेंट, जो बैक बॉडी है, बैक बॉडी को भी क्या करना है, स्ट्रेट कटिंग नहीं करनी, क्रॉस में कटिंग करनी इस तरह से, ठीक है। तो फैब्रिक फोल्ड करोगे, शोल्डर लोगे, आर्म होल लोगे, चेस्ट लोगे, वेस्ट लोगे और ट्रिम कर दोगे। इसको लगाना नहीं है बैक में, ये नॉर्मली आप बॉडी फॉर्म का मेजरमेंट के हिसाब से कटिंग करोगे ऑन द फैब्रिक, ठीक है, ताकि ये फ्लो और बैक का फ्लो अच्छा हो, ठीक है। अभी स्मिता ने स्टिच किया, स्मिता आपको नहीं पता था क्योंकि हम डिटेल नहीं पढ़ पाए थे कि बैक बॉडी में भी हमको क्रॉस में कटिंग करनी है ताकि फ्लो आए, क्लियर है? क्लियर है सबको? कोई डाउट? नो मैम, हमने इसी तरह कटिंग किया था। वेरी गुड, बैक बॉडी पिनअप हो गई, हंसा क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया सबका? यस मैम। चलो अभी स्मॉल पैटर्न में कटिंग करो, बैक बॉडी और फ्रंट बॉडी, जल्दी से फैब्रिक लेके बैठना, और 1 मीटर सैटन फैब्रिक, 1 मीटर कॉटन फैब्रिक, 1 मीटर ऑर्गेंजा फैब्रिक ले लो। प्रैक्टिकल शुरू होगा अबाउट दैट फैब्रिक पेंटिंग, स्टिचिंग एंड हैंड एम्ब्रॉयडरी। 1 मीटर सारे फैब्रिक परचेस कर लो। क्लियर हो गया? जी मैम। कोई क्वेश्चन इन डाउट? कटिंग करके दिखाओ मेरे को। बायस में फैब्रिक लो, 8 इंच बाय 8 इंच या 6 इंच बाय 6 इंच? फैब्रिक पे करना है ना? नहीं, अभी फैब्रिक पे ही करूं, मैं पेपर में कर रही हूं क्योंकि मेरे पास अभी मैंने फैब्रिक रखा नहीं है। तो जितनी लंबाई होगी उतनी चौड़ाई आप लोग ले लो, ठीक है, कुछ इस तरह से लंबाई एंड चौड़ाई बराबर, ठीक है। अब इसको इस तरह से फोल्ड करो, तो इतने ही फोल्ड इनसाइड आएगा, ठीक है, ये आ जाएगा इस तरह से कुछ दिखेगा, ठीक है। कितने कितने बाय कितने में बना रहे हो? 10 बाय 10 में बना लो, अच्छे से बनेगा। 10 इंच बाय कटिंग कर लिया क्या? सारे स्टिचिंग की क्लास में ना फैब्रिक सीजर ये सब GMT का टूल्स लेके बैठना, ताकि हम कभी भी यूज कर सके, ठीक है। ये दोनों पॉइंट आपका सेट हो जाएगा शोल्डर पे। तो अगर अभी आपके पास मैनीक्विन नहीं है तो सिंपली आपके फैब्रिक को क्या करना है, प्लेट्स लगाने और फ्लोप देना है और ऐसे रख के सेट करने हैं। अदिति, अदिति क्या है तुम्हारे सर में पीला पीला, गेंदा फूल खिला है क्या? अदिति तुम्हारे सर में क्या है?
मेरी आवाज सुनाई दे रही है? अभी आ रही है मैम। हाँ पर तुम लोग दिख नहीं रहे हो, नेटवर्क इश्यू हो रहा लगता है। वीडियो स्टॉप कर दी मैम।